हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कस्टमाइज के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बहुत सारे यूज़र को काम में आ सकता है। ये एक TDL है जो कि चार्जेबल है, और ये TDL किस तरीके से काम करेगा वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप चाहते हो कि आप जब कोई सेल्स बिल बनाओ तो उस टाइम पर पर्टिकुलर आइटम आपने लास्ट क्या रेट में परचेस किया था, और आप जिस पार्टी को सेल कर रहे हो तो उस पार्टी को आपने लास्ट डिस्काउंट कितना दिया था उस आइटम का, और पर्टिकुलर वो आइटम आपने उस आइटम पर्सन को कितने में सेल किया था, वो एंट्री करने के टाइम पे ही स्क्रीन पे आ जाए, जिससे आप जब भी उस पर्सन को सेकंड टाइम सेल करो तो उसका डिस्काउंट आपको पता चले, आपको उसने आपने आपने उसको लास्ट क्या रेट में सेल किया था वो भी आपको पता चले, और वो आइटम आपने लास्ट क्या रेट में परचेज किया था वो भी आपको पता चले। तो ये एक हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो आपको अगर इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। ये कस्टमाइज चार्जेबल है, तो मैं पूरा आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे आपको मेरी जो परचेज की एंट्री पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने दो आइटम यहाँ पे परचेज की है। एक है जो कि 300 रुपीज़ में परचेज की है, माउस और कीबोर्ड मैंने 400 में परचेज किया। अभी मैं एक सेल्स की एंट्री करता हूँ। पहले मैं कैश में सेल करता हूँ माउस, जो कि मैंने लास्ट 300 रुपीज़ में परचेस किया था, वो भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप चाहे तो स्टॉक कैरी में जाके चेक करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, और वो मैं 600 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ कैश में, और 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। कीबोर्ड जो कि मैंने 400 रुपीज़ में परचेस किया था, ठीक है, और वो मैं 800 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। जो कि मैं कैश में सेल कर रहा हूँ उसमें मैंने 600 में सेल किया और 10% डिस्काउंट दिया, और 800 में मैंने कीबोर्ड सेल किया और 20% डिस्काउंट दिया। अभी मैं सेम बिल कैश का बिल बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे लास्ट परचेस रेट आ गया, लास्ट मैंने डिस्काउंट कितना दिया था वो भी आ गया, यहाँ पे लास्ट क्या रेट में सेल किया था वो भी आ गया। मैं यहाँ पे अभी रेट चेंज करता हूँ, रेट बढ़ा देता हूँ, और जो डिस्काउंट था वो भी मैं बढ़ा देता हूँ, 15% कर देता हूँ। फिर वापस एक बार मैं सेम आइटम सेल करता हूँ। देखो यहाँ पे लास्ट डिस्काउंट भी आ गया 15%, और जो लास्ट मैंने रेट इंक्रीज़ किया था लास्ट सेल रेट तो भी यहाँ पे वो चेंज होके आ गया। तो यहाँ पे अभी इस आइटम का परचेस रेट 300 रुपीज़ है। अभी मैं एक बार एक परचेस की एंट्री भी कर लेता हूँ। दूसरी पार्टी से, और यहाँ पे 350 रुपीज़ परचेस रेट दे देता हूँ मैं। अभी वापस मैं सेल्स की एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे देखो लास्ट परचेस रेट मेरा 350 रुपीज़ आ चुका है, और लास्ट में मैंने डिस्काउंट नहीं दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट मैंने जब सेल किया था तब मैंने वहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट अभी लास्ट में 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ये TDL काम करेगा। जो भी पार्टी को आप सेल करोगे, यहाँ पे मैं आपको एक कस्टमर का बिल बनाकर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट परचेज तो आ चुका है, लास्ट डिस्काउंट मैंने कोई भी दिया नहीं था, लास्ट परचेज भी लास्ट सेल भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं उसका 1000 रुपीज़ रेट दे देता हूँ और 50% डिस्काउंट दे देता हूँ। अभी सेम पार्टी का मैं फिर से बिल बनाता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट परचेज तो सेम ही है, 50% डिस्काउंट भी आ रहा है, लास्ट रेट मेरा 1000। तो यहाँ फिर आप रेट चेंज करोगे तो नेक्स्ट बिल में वो चेंज होकर आएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये TDL काम करेगा। आप अगर चाहते हो कि आप अपने टेली के अंदर इस टाइप का कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नंबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।